दोस्तों, यदि मेडिकल फील्ड की बात किया जाए तो फिजियोथेरेपी आपके लिए बेटर ऑप्शन हो सकता है। फिजियोथेरेपी में बेहतर करियर की संभावनाएं बहुत अधिक है। फिजियोथेरेपी चिकित्सा विज्ञान की एक शाखा है जिसमें शरीर के बाहरी हिस्से का इलाज व्यायाम, इलेक्ट्रोथेरेपी और मसाज द्वारा किया जाता है। फिजियोथेरेपिस्ट रोगी के इलाज के साथ मानसिक रूप से भी बीमार व्यक्तियों को मजबूत बनाता है। फिजियोथेरेपी में करियर कैसे बनाएं, किस तरह इसमें एडमिशन लिया जाता है, जानने के लिए पूरा वीडियो जरूर देखें। लेकिन अभी तक आपने हमारे चैनल ज्ञान राजेश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे जब भी हम कोई नई जानकारी डालें तो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों, फिजियोथेरेपी में कोई भी डिप्लोमा कोर्स, बैचलर कोर्स, पीजी कोर्स तथा एमफिल और पीएचडी आप कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बीपीटी की। तो बीपीटी का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। पीपीटी बैचलर डिग्री कोर्स होता है। यह कोर्स 4.5 साल का होता है जिसमें 6 महीने की इंटर्नशिप भी अनिवार्य रखी गई है। और दूसरे नंबर पे आता है एमपीटी, मास्टर ऑफ फिजियोथेरेपी। तो एमपीटी 2 वर्ष का कोर्स होता है। इसे करने के बाद आप फिजियोथेरेपी के मास्टर हो जाएंगे। मास्टर ऑफ फिजियोथेरेपी में आप न्यूरोलॉजिकल फिजियोथेरेपी, पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपी, स्पोर्ट फिजियोथेरेपी, आर्थोपेडिक फिजियोथेरेपी, कार्डियोवास्कुलर फिजियोथेरेपी और इस तरह के कई स्पेशलाइजेशन कोर्स आसानी से कर सकते हैं। अब इसकी बात की जाए एडमिशन की, इसमें किस तरह से एडमिशन लिया जाता है और कहाँ कहाँ पर एडमिशन लिया जा सकता है। तो इसमें एडमिशन के लिए आप गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों तरह की कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। जो अच्छे इंस्टीट्यूट या कॉलेज होते हैं उनमें एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है, और जो वैसे नॉर्मल कॉलेज होते हैं वहाँ पे कहीं कहीं पर एंट्रेंस एग्जाम तो कहीं कहीं पर डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है। अब बात करते हैं फीस की। तो फिजियोथेरेपी की फीस की बात करें तो हर कॉलेज की अलग अलग फीस होती है। कहीं कहीं पर 30,000 तो कहीं कहीं पर 80,000 प्रति सेमेस्टर इसकी फीस होती है। कई ऐसे कॉलेज भी है जहां पर स्कॉलरशिप की भी सुविधा मिलती है। अब बात करते हैं इसकी योग्यता की। तो फिजियोथेरेपी में एडमिशन के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, उन सब चीजों पर बात करते हैं। तो दोस्तों, फिजियोथेरेपी में एडमिशन के लिए आपको इंटरमीडिएट की परीक्षा पीसीबी ग्रुप यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से पास होना अनिवार्य है, तभी आप फिजियोथेरेपी में प्रवेश ले सकते हैं। अब बात करते हैं इसके करियर के बारे में कि आप कहाँ कहाँ करियर फिजियोथेरेपी का कोई भी कोर्स करने के बाद बना सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे आता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल और क्लिनिक। इन जगह फिजियोथेरेपिस्ट की मांग बहुत तेजी से बढ़ रही है और आज के समय में हर हॉस्पिटल में, चाहे प्राइवेट हो, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे वो कोई क्लिनिक हो, वहां पे एक फिजियोथेरेपिस्ट आपको जरूर मिलेगा। और दूसरे नंबर पे आता है ओल्ड एज होम, मतलब जहां वृद्ध लोग रहते हैं वहां पे आप जाप पा सकते हैं। अब हेल्थ सेंटर, स्कूल व चिल्ड्रन सेंटर, चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन, स्पोर्ट क्लिनिक, आर्मी सर्विसेज, रिहेबिलिटेशन होम, तो इस तरह के तमाम आपके करियर की संभावनाएं इन जगहों पर आप बना सकते हैं आसानी से। अब बात की जाए इसकी सैलरी की। तो फिजियोथेरेपी का कोर्स करने पर आप शुरू में 15 से 20 हज़ार रुपये आसानी से कमा सकते हैं। जैसे जैसे आपका अनुभव बढ़ेगा आप अच्छा खासा पैसा इसमें कमा सकते हैं इस कोर्स को करने के बाद। अब तो हर जगह एक फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत लगभग लगभग होती है। फिजियोथेरेपी में मास्टर डिग्री या पीएचडी करने के बाद आप अपना लाइफ आसानी से सेट कर सकते हैं। फिजियोथेरेपी में कई कारगर बीमारियों का इलाज आसानी से होता है, जिसमें पोलियो, अस्थमा, सर्जरी के बाद रिहेबिलिटेशन, मांसपेशियों और हड्डियों के रोगों का इलाज बिना दवा के किया जाता है। तो फिजियोथेरेपी का यहाँ सीधा सीधा मतलब है कि रोगों का इलाज बिना दवा के किया जाता है फिजियोथेरेपी में। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं तो फिजियोथेरेपी का कोई भी कोर्स करके आसानी से अपना करियर सेट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके टॉप 10 इंस्टीट्यूट की, जहाँ पे फिजियोथेरेपी कोर्स कराए जाते हैं, वहाँ 100% आपको पॉसिबिलिटी मिलती है कि आपका करियर सेट हो जाएगा। तो पहले नंबर पे आता है अपोलो फिजियोथेरेपी कॉलेज हैदराबाद, दूसरे नंबर पे आता है इंडियन इंस्टीट्यूट हेल्थ एजुकेशन एंड रिसर्च पटना, तीसरे नंबर पे महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एजुकेशन केरल, और चौथे नंबर पे JSS कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी मैसूर, और पांचवें नंबर पे आता है पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च चंडीगढ़। तो दोस्तों, अगर
आप भी किसी भी क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो सबसे पहली प्रियोरिटी अच्छे कॉलेज को चुनना होता है। सही करियर के लिए सही जगह का चुनाव जीवन में बहुत जरूरी है। यदि आप भी फिजियोथेरेपी में इंटरेस्टेड हैं तो आप भी बना सकते हैं अपना बेटर करियर। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे जानकारी सभी लोगों तक पहुँचे। अगले वीडियो में एक नए करियर से रिलेटेड जानकारी लेकर मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।